नमस्कार, SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में जहां समाजवादी पार्टी अपनी चुनावी जीत के लिए मैदान में उतर चुकी है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अमेठी सीट की बात कही जाए तो स्मृति ईरानी अपना दमखम दिखाती हुई नजर आ रही है। स्मृति ईरानी का ये दाव है कि अमेठी उन्होंने एक बार जीती है तो दोबारा वो अमेठी को जीतती हुई नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी अब अमेठी से चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे। राहुल गांधी को लेकर ये कहा जा रहा है कि अब वो यहाँ पर अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे और यहाँ पर स्मृति ईरानी को बखूबी टक्कर देते हुए नजर आएंगे। स्मृति ईरानी यहाँ पर 13 रुपए में चीनी देने की बात पिछले चुनावों में करती हुई नजर आई थी, जिस बात का यहाँ पर खंडन हो गया था कि वो झूठ बोल रही हैं। तमाम जनता ने ये दावा किया कि यहाँ पर स्मृति ईरानी ने कोई भी यहाँ पर ऐसा कोई स्कीम जो वो कहती हुई नजर आ रही हैं, ऐसी किसी भी स्कीम पर उन्होंने काम नहीं किया। जिसके बाद यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर कयास शुरू हो चुके हैं, क्योंकि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल हो गई है। अब ऐसे में राहुल गांधी को लेकर ये कहा जा रहा है कि जल्द अमेठी पहुंचेंगे और यहाँ पर अमेठी में जनता को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे, क्योंकि जनता के मन में राहुल गांधी का एक अलग ही चेहरा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अमेठी बात ना की जाए तो तमाम और राज्यों में और जगहों की और जिलों की बात कही जाए तो यहाँ पर राहुल गांधी लोगों को संबोधित करते हुए नजर आते हैं, लोगों से मिलते हैं, जमीनी हकीकत को समझते हैं और यहाँ पर जननायक बन जाते हैं। अब ऐसे में राहुल गांधी अमेठी में यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे तो स्मृति ईरानी का क्या हाल होने वाला है? स्मृति ईरानी एक बार अमेठी में चुनाव जीती है, क्या दोबारा अमेठी का चुनाव जीत पाएगी? क्या जो दावे किए जा रहे हैं क्या वो दावे पूरे हो पाएंगे या फिर राहुल गांधी यहाँ पर बाजी मार जाएंगे? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।